नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देने वाली नुपुर शर्मा को भले ही बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया हो, लेकिन फिर भी बीजेपी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और ना ही नुपुर की। लगातार बीजेपी विरोधियों के निशाने पर है और मांग हो रही है नुपुर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की, गिरफ्तारी की। अखिलेश यादव के बाद मायावती ने भी इस मामले को उठाया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, देश में सभी धर्मों का सम्मान जरूरी, किसी भी धर्म के लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल उचित नहीं है। इस मामले में बीजेपी को भी अपने लोगों पर सख्ती से शिकंजा कसना चाहिए। केवल उनको सस्पेंड व निकालने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको सख्त कानूनों के तहत जेल भेजना चाहिए। इससे पहले अखिलेश यादव ने भी कुछ ऐसा ही ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था, भाजपा नुपुर शर्मा पर सिर्फ निलंबन की दिखावटी कार्रवाई ना करे, बल्कि वैधानिक कदम उठाए। विवादित बयान पर बीजेपी से निलंबन तो उनका भी हुआ था, जो आज उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार में मंत्री बने बैठे हैं। तो यहाँ अखिलेश यादव का इशारा था दयाशंकर सिंह की ओर। खैर, उसे छोड़िए। लगातार नुपुर की गिरफ्तारी की जो मांग हो रही है, उस पर हम एक बार फिर से लौटते हैं। ये मांग करने वालों में मौलाना तौकीर रजा भी हैं। तौकीर रजा तो यहां तक कह रहे हैं कि अगर नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई तो धरना प्रदर्शन होगा। तारीख भी उन्होंने बता दी, 10 जून। नुपुर शर्मा जैसी भाषा बोलने वाले, नवीन जिंदल जैसी भाषा बोलने वाले और भी बहुत से लोग हैं, उन लोगों पर भी लगाम लगाई जानी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस फैसले के बाद उन लोगों पर लगाम लग गई, लेकिन सरकार को जो फैसला करना चाहिए था, इनको सज़ा दी जानी चाहिए थी, इनकी गिरफ्तारी की जानी चाहिए थी, वो गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी तक ये चिंता का विषय है, गिरफ्तारी होना चाहिए। हमारी मांग गिरफ्तारी की थी, नड्डा जी ने आधा काम तो हो गया है, आधा अभी बाकी है। नड्डा जी ने जो किया है उसका स्वागत है, और अभी सरकार का काम बाकी है, सरकार को अपना काम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ 10 तारीख में अभी कई दिन है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और बताना चाहिए कि सरकार की क्या सोच है और किस लाइन पर वो काम करना चाहते हैं। तो तौकीर रजा ने 10 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है और वो कहते कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 10 तारीख को बड़ा धरना प्रदर्शन होगा। वहीं एहतियातन धारा 144 लागू कर दी गई है बरेली में। आपको बता दें कि नुपुर शर्मा की पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणी के बाद मुस्लिम समाज में काफी नाराजगी है। वहीं कानपुर में हुए उपद्रव के बाद बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ी हैं। दूसरी तरफ गल्फ कंट्रीज की ओर से भी दबाव लगातार है। बीजेपी ने एक्शन लिया इस दबाव के बाद और नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित किया गया। नुपुर ने इस पर माफी भी मांग ली, लेकिन अब बात उनकी गिरफ्तारी की हो रही है और ये मामला ठंडा पड़ता फिलहाल नजर नहीं आता। बरेली से हमें ये खबर भेजी है हमारे सहयोगी कृष्ण गोपाल राज ने। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में पार्टी के स्तर पर जो कार्रवाई हुई है, नुपुर शर्मा ने जो माफी मांगी है, क्या वो सफिशिएंट नहीं है? और जो मांग की जा रही है कानूनी कार्रवाई की, गिरफ्तारी की, आपको लगता है कि क्या वो होनी चाहिए? अपनी राय जरूर रखिए कमेंट बॉक्स में। और तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते रहिए, तफसील से खबरों को यूपी तक .in पर पढ़ते रहिए।